हाँ जी, सत्तवीं जमात के प्यारे विद्यार्थियों, अज आप एक्सरसाइज 4.2 लैके आए हैं। बोथ मीडियम के अंग्रेजी तुम्हें शो हो ही रहा है, आ पंजाबी है, अगे दोनों मीडियम के ही तुम्हें दसांगे किमें करनी। देखो पहले सवाल लिखा पहला चल नू, पहला लिखा पहल, इहदा मतलब पहला, बिंदी नहीं हैगी, पहला चल नू वख करन वाला पग लिखो। पग का मतलब होंदा स्टैप। फिर समीकरण नू हल करो, अंग्रेजी च की है राइड द फस्ट स्टैप दैट यू विल यूज टू सैपरेट द वेरीएबल दैन फाइंड द सोल्यूशन। देखो अपने को समीकरण है कि एक्स जोड़ एक बराबर है जीरो। अपने की करना है, पहला पहला स्टैप लिखना स्टैप वन। अंग्रेजी वाले बच्चे तो स्टैप वन ही लिखेंगे, पंजाबी वाले लिख सकते हैं पग पहला जा स्टैप वन, वह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हुण मैंने वेरीएबल ध्यान ना समझो, आ जिहड़ा एक्स है ये की हुंदा है वेरीएबल, जिहनूं पंजाबी दे विच बोलदे ने चल। चल मतलब इहदा मुल कुछ भी हो सकता है। इहनूं आपां ने की करना सैपरेट करना। किवें सैपरेट करांगे, मतलब ये लैफ्ट हैंड साइड दे विच जिहड़ा एक्स आ वह कल्ला ही नज़र आवे, होर कुछ ना नज़र आवे। मैं कुरे नूं रेज करदा, लो जी, तां किवें कल्ला नज़र आउंदा, दोवें पासे स्टैप वन की है सबट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ साइड। पंजाबी दे विच लिख देना दोवां पासियां तो एक घटा के, दोवां पासियां विच्चों एक घटा के, तो दोवें पासे जिहड़ी एक घटाऊंगा मैं। लो जी, ये तुहाडा पहला स्टैप होगा, दोवें पासे मैंने एक घटाता। हुण एक्स प्लस वन सी विच मैंने की कीता, एक घटाता तां की बच गया एक्स, उधर की बच गया माइनस एक, तो तुहाडा की आ गया सल्यूशन आ गया। तो पहला स्टैप ए सी जिहड़ा उन्होंने किया सी, ते दूजे बाद च किया सी वी हल करो, तो हल किन्ना गया एक्स बराबर है माइनस एक, एक्स बराबर है माइनस एक। स्क्रीनशॉट लै लो, जिमें जिमें आप अगले सवाल करते जाएंगे तुहानू क्लीयर होंदा जाऊ भी है कि। हुण अगला स्टैप आप पंजाबी च करांगे तां कि दोनों मीडियम के बच्चों नूं समझ लग जाए की लिखी हुई समीकरण। एक्स घटाओ एक बराबर है पांच, तो हुण तुहानू की लगता मैं स्टैप की लूँगा, पहला पग जां पग एक जां पहला पग लिख सकते हो, की लिखांगे, दोवें पासे की करके एक्स घटाओ एक है ना, देखो तो घटाओ एक खत्म करने वास्ते की करना पो, एक जोड़ना पो, एक जोड़ के। अंग्रेजी वाले बच्चे की लिखेंगे स्टेप वन एड वन ऑन बोथ साइड, एड वन ऑन बोथ साइड, जोड़ एक जोड़ता दूजे पासे भी एक जोड़ दो, तो आ एक तो एक की हो गए खत्म हो गए ना, किन्ना रह गया एक्स पांच दे किन्ना बन गया छे, तो तुहाडा की आ गया सल्यूशन आ गया। बड़ा सौखा ना, हौली हौली आपां तुहानू वड्डिआं वांगू करवाउण लग जाएंगे, हजे अपनी स्टार्टिंग है, तो इसे करके सैवंथ चो तुसीं भी तुहानू पता लग जाए भी करना की जा रहे हैं। देखो ये एक्स प्लस सिक्स बराबर है टू, तो ये की करांगे जे छे जोड़े भी ने ना, तो की कर देंगे छे घटा देंगे स्टैप वन, तो पहला स्टैप की कहते सबट्रैक्ट सिक्स ऑन बोथ साइड, दोवें पासे तो छे घटा के माइनस सिक्स, दो घटाओ छे, दोवें पासे घटाते तो छे ना छे की हो गया खत्म, किन्ना बच गया एक्स, दो चो छे घटाए किन्ना गया माइनस चार। तो जिहड़ा बॉक्स च लिखा तुहाडा की है सल्यूशन है, तुहाडा हल है, तुहाडा आंसर है। पहले तीन सवाल मैंने कराते पहले दे, चौथा देखो वाई जोड़ चार बराबर है चार,
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਗ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਟੈਪ ਵਨ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਘਟਾਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਈ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਰ ਹੀ ਮੈਨੇ ਕਰਤੇ ਘਟਾ ਤੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਚਾਰ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੱਢੇ, ਖਤਮ। ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲਈ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਮੀਡੀਅਮ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਥ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਟੈਪ ਵਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਐਡ ਥ੍ਰੀ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਤਿੰਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਛੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਆ। ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਯੂਜ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਦੈਨ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਗ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15, ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਥ੍ਰੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਿਖੋ ਥ੍ਰੀ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਉ। ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15 ਨੂੰ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5। ਕਲੀਅਰ? ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਬਟੇ 7 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਦੇਖੋ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਉ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 7 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੀ ਬਟੇ 7 ਸੀ, ਗੁਣਾ 7, 4 ਗੁਣਾ 7 ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7, 7 ਨਾਲ 7 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੀ 7 ਚੌਕਾ 28। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 28। ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੱਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਗੁਣਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। 8x2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 36, ਪੱਗ 1। ਪਹਿਲਾ ਪੱਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਭਾਗ। 8x2 = 8, ਆ 2 ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 36/8। ਤਾਂ 8 ਨਾਲ 8 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
कट गया किन्ना आ गया बई ये चार ते कटदा दो नौ तो बई बराबर किन्ना नौ बटे दो ये नहीं सोचना बटिया जा गया आंसर किदा का भी आ सकता तो तुहाडा आंसर किन्ना आ गया नौ बटे दो क्लीयर है ओके अगला देखो किन्ने रकम लिखी है ट्वेंटी एक्स बराबर है माइनस दस तो स्टैप हूँ पंजाबी वाले करा रहे हैं पग एक तो बी गुणा हो रहा तो की करांगे बी नाल दोवें पासे भाग करके दोवें पासे बी नाल की कर दो भाग कर दो दोनों पासे ट्वेंटी से डिवाइड कर देना बस ट्वेंटी ट्वेंटी कट के कि रह गया एक्स कि माइनस वन पॉन टू देखो जिन्ना भी वो लग्या वह ने जे इतने गुणा हो रही है तो तुम की कर देना भाग जे भाग हो रहा तो गुणा जोड़ हो रहा तो देखो गुणा हो रही है तो तुम भाग कर देनी है भाग हो रही है तो गुणा कर देना जोड़ हो रहा तो घटाओ कर देने जे घटाओ हो रहा तो जोड़ कर देना बस यही एदा चीज़ है गुणा भाग भाग गुणा जोड़ घटाओ घटाओ जोड़ बिल्कुल तीजा सवाल बिल्कुल सेम है चल नूं वख करन वाले पग लिखो फिर समीकरण हल करो हुण मैं स्टैप तुहानूं बोलूँगा क्योंकि नहीं अदरवे मेरी स्क्रीन छोटी रह जू पंज एक्स जोड़ सत्त बराबर है सतारा तो पहला भाग की क्रम है देखो ये एक तरह नाल एक बंडल बन्या होया बंडल नूं नहीं छेड़ना पहला ईजीली जो चीज़ टुट सकती है उन्होंने तोड़ना जिमें महल है वो एक दुश्मन की फौज ने हमला करना तो सीधा जाके नहीं हों भी राजे जाके धौन तो फड़ लो सब तो पहला आप करते हैं वो जिहड़ी चीज़ में ईजीली आप मार सकते पहला आप सैनिकों मार दें फिर आप अगे किले का दुबारा तोड़ दें फिर अगे जाने तो सब तो पहले ईजीली की है आ जिहड़ा सत्त नाल लग्या वै ये ईजीली टुट चुकी स्टैप वन दे पहले स्टैप आप करा दोवें पास्यों सत्त घटा देंगे मैं थोनू मैंशन थोड़ी लिखाई नहीं सुनी आई सत्त माइनस सत्त दोवें पास सत्त घटाता स्टैप वन दे दोवें पास मैंने की करता सत्त घटाता तो कि बच गया पांच एक्स सतारा च सत्त कटे कि बच गया दस हूँ अगे की है स्टैप टू तो दूजे स्टैप च मैं की करूँगा दोवें पासे पंज ते भाग करूँगा लिख तो आनी रही क्योंकि तुहानूं हुण समझ लग गई है भी की किया इस स्टैप दे विच मैंने सत्त दोवें पासे की किया सी माइनस सत्त इस स्टैप च मैंने की किया डिवाइड किया किन्ने नाल पंज नाल तो पंज ना पंज कट गया एक्स बराबर किन्ना आ गया दो तां दो स्टैप अपने लगे दो स्टैपां दे विच अपना आंसर आ गया एक्स बराबर है दो क्लीयर है चलो अगे चलीए तो सवाल की रकम है बी एक्स बटे तीन बराबर है चाली तो सब तो पहला देखो बी एक्स नूं नहीं छेड़ना स्टैप वन दे विच की करना है मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय थ्री लिख तुसी आप ही ली हूँ मैं तुहानूं समझाता सिर्फ लिखना ही है दोवें पासे तीन नाल गुणा करन ते तां बी एक्स बटे तीन गुणा तीन बराबर है चाली गुणा तीन 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 कट के किन्ना बच गया बी एक्स बराबर एक सौ बी हुण की करिए स्टैप टू दोवें पासे भाग कर दो किन्ने नाल बी नाल तुसीं इदां भी शॉर्टकट लिख सकदे जिवें मैं लिखिया कोई इहो जिही गल नहीं तुसीं लिख नहीं सकदे लिख सकदे बी एक्स बटे बी बराबर एक सौ बी बटे बी बी ना बी कट गया किन्ना बच गया आ जीरो जीरो कट गई दो एकम दो छे तो एक्स बराबर किन्ना आ गया छे बिल्कुल नीचे लिखिया देखो एक्स बराबर है छे टैक्सी वैल्यू कितनी आ रही है छे स्क्रीन ना फुल कर लियो ताकि तुहानूं दिखता रहे
ओके चलिए अगे चलो जी। तीन पी माइनस दो बराबर है छियाली। बोलो जी पहला स्टेप की करिए। स्टेप पहला बिल्कुल ठीक, पहला हम दो जोड़ांगे आ बड़े, क्यों? क्योंकि दो घटाओ देने तो दो महीने की करते जोड़ते प्लस टू, दोवें पासे जोड़ना आए नहीं एक पासे जोड़ते, तो कितना आ गया थ्री पी बराबर है 48। तो हम मेरा की आ गया स्टेप टू, तो दूजे स्टेप च की करना है डिवाइड करना है थ्री ना, क्योंकि तीन पी है ना, तो तीन पी नू खत्म करने वास्ते तीन ते मैनू की करना पैना डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब बटा, तीन तीन कट गया कि पी बराबर है 16। तो दो स्टैपां दे विच तुहाडा की आ गया सल्यूशन आ गया। अगे देखो चौथा सवाल की लिखे हेठ लिखे समीकरण हल करो। कई बार बच्चों आता भी ये आंसर की ने, देखो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ, तुसी इहदा स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो, की करना की नहीं करना देखो लिखा हुआ क्लीयर कट। आ नीचे पंजाबी मीडियम के सल्यूशन ने, आ अंग्रेजी मीडियम के ने, इस करके दोनों ही तुहाडे कोल ने, स्क्रीनशॉट लै लियो। तुसी डायरैक्ट भी लिख सकते, स्टैप वन देखो सबट्रैक्ट करो फिर डिवाइड करो फिर एंड ते एक्स बराबर दो की है सल्यूशन। चलो सॉल्व द क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन कितनी है 10 एक्स जोड़ 10 बराबर है 100। हुण तुहानू स्टैपां दा तां समझ लग गई, तो पहले स्टैप च की करना उन्होंने अपनों स्टैप लिखने लिए इन्होंने नहीं किया, तो नहीं लिखने चाहे ना लिखो, पहले स्टैप च की करो 10 दोवें पासों घटा दो। हुण तुसीं स्टैप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो तुहाडी मर्जी। तो कितना बच गया 10 एक्स बराबर है 90। हुण दोवें पासे 10 ते की कर दो डिवाइड कर दो, 10 ना 10 खत्म, 0 ना 0 कट गई, एक्स बराबर कितना आ गया 9। हौली हौली जिवें जिवें तुसीं वड्डियां जमातों च जांदे जाओगे यही सम तुहानूं ऐ मन के चलो भी बड़े सौखे लगन लग जाएंगे जे तुसीं इत्थे सीख गए। सो ध्यान नाल देखो, ध्यान नाल नोट करो। तो नैक्सट सम देखो माइनस पी बटे 3 बराबर है 5। तो माइनस पी बटे 3 पहला स्टैप की करांगे, दोनों पासे 3 नाल गुणा कर दो, दोवें पासे 3 नाल गुणा करता कितना बच गया माइनस पी बराबर है 15। हुण पी इधरले पासे माइनस, तो आपां तो पी माइनस तो चाहिए नहीं, तो दूजा स्टैप मैं की करूँगा दोनों पासे माइनस 1 नाल गुणा कर दूँगा, क्योंकि माइनस माइनस उन्होंने पता प्लस हो जाता कि बन जू पी 15 गुणा माइनस 1 कि बन जू माइनस 15। तुहाडा आंसर आ गया पी बराबर है माइनस 15। ये पंजाबी अंग्रेजी मीडियम का कोई चक्कर ही नहीं, स्टैप मैं लिख ही नहीं रहा, सवाल मैं तुम्हें सारे करा रहा ना कि कभी यह ना कह दो कोई बच्चा भी सानू तो कराए नहीं जी। तो 3x जोड़ 12 घटाओ 12, पहले दोनों पासे 12 घटा दो, तो उधर भी 12 घटाते, ए चो भी 12 घटाते, 3x रह गया कला 0 चो 12 कटे कि आता माइनस 12। हुण दोनों पासे कहड़ा स्टैप लूँगा मैं दूजे स्टैप 3 ते डिवाइड, देखो सर मैं स्टैप ही नहीं लिख रहा शब्द कर, मैं सारे स्टैप रहा 3 3 कट गया एक्स बराबर है माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू कि आ गई माइनस 4। देखो थोड़ा पूरी की पूरी कापी वांगू बन रहा, स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ, नोट कर दे नहीं बाद चो कर लियो, स्क्रीनशॉट लैके रख लो। 2q माइनस 6 बराबर है 0। तो दोवें पासे पहला की कर दो 6 जोड़ दो, पहला स्टैप दोवें पासे 6 जोड़ के एड 6 ऑन बोथ साइड, तो 2q बराबर है 6। हुण दूजा स्टैप की है डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दो नाल दोवें पासे भाग दे के, तो क्यू बराबर कितना आ गया कट के 3। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 3। क्लीयर, बड़े सौखे सवाल है ना, हाँ बस घबराना नहीं है। 3p बराबर है 0, तो दोवें पासे 3 दे की कर दो डिवाइड, 3 3 कट गया पी बच गया,
जीरो कासे भी डिवाइड करिए कि होंगे जीरो। मेरी आदत है मैं जो भी आंसर होंगे उन्होंने सर्कल ज बॉक्स के लिख देना ताकि समझ लग जाए थोड़ा की है आंसर। देखो इस सवाल तो अभी किए भी ना 3x बराबर माइनस 9 तो दोवें पासे 3 से डिवाइड करते कि बच गया एस माइनस 9 तीन के बंटे कि आंदा 3 नाल की लग गया माइनस। तो इतों तुम्हें सारे आंसर सारे सोल्यूशन समझ लग गए। कोई भी सवाल मैंने छड़वाया नहीं ता जो तो PDF अपने टीचर तो मंगन की लड़ ही ना पवे तो सारे के सारे सम अपने चंकी तरह देख के तार सको। फिर भी किसी ने दिक्कत है तो इतों आंसर की देख सकता। तो अपने चैनल में जे तुम सबसक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लियो। वधिया वधिया कमेंट लिखा करो वधिया वधिया। ठीक है बेटा, थैंक यू।